पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। पूर्व सीएम उमा भारती ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। 90 साल की उम्र में चुनाव लड़ने का बोले तो लड़ूंगी, ये कहना है पूर्व सीएम उमा भारती का। एक बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव नहीं लड़ने को लेकर बयान दिया। कहा, मेरी उम्र यशोधरा वसुंधरा कैलाश विजयवर्गीय से कम है। बता दें, उमा भारती पहले भी इस तरह का बयान दे चुकी हैं। महिला आरक्षण पर भी उमा का बयान चर्चा में रहा और उसके बाद अब एक बार फिर से उमा भारती ने चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। तो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है इस बयान के जरिए। कहा, 90 की उम्र में भी चुनाव लड़ने का बोलेंगे तो लड़ूंगी। इसके साथ ही मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव ना लड़ने को लेकर भी कुछ कहा, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। नहीं नहीं, मैं तो भी बहुत छोटी हूँ बाबा। हाँ, आपको पता नहीं है मैं वसुंधरा यशोधरा वगैरह से 7-8 साल छोटी हूँ। और आपको भी, हाँ, आप लोगों ने मालिका विश्वरा जी से 1 साल छोटी, नरेंद्र तुम्हें से 5-6 साल छोटी, कैलाश विश्वरा जी से 6-7 साल छोटी। जो बीमारी मुझे है वो है कि दो बार कोरोना होने से मुझे डायबिटीज हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने आप को बिल्कुल अशक्त नहीं समझती। मैं 90 साल की भी होंगी तभी चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाऊंगी। तो देखिए, लगातार आ रहे उमा भारती के बयान, क्या कुछ उनके मन में, चलिए ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि पिछले दिनों कई तरह के बयान उमा भारती दे चुकी है। तो उमा के मन में क्या है, उमा भारती के बयान के सियासी मायने क्या है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। क्या उमा भारती सक्रिय सियासत में लौटना चाहती है, इन बयानों के जरिए क्या कुछ कहना चाहती है, क्या सियासत में अपनी दूसरी पारी उमा भारती खेलना चाहती है, और इसके साथ ही क्या संगठन का ध्यान अपनी तरफ खींचना इन बयानों का उद्देश्य है, क्योंकि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बार उमा भारती के इस तरह के बयान सामने आ चुके हैं। महिला आरक्षण को लेकर भी जो उमा भारती ने बयान दिया था वो भी चर्चा में रहा था, और इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर भी जिक्र किया है। और ज्यादा हम इस पर बातचीत करेंगे, हमारे संवाददाता सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार के जो बयान है उसके क्या मायने हैं, क्योंकि इसके पहले भी कई तरह के बयान उमा भारती दे चुकी है। तो सियासी मायने जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इस बयान के सियासी मायने क्या हैं, और क्या सक्रिय सियासत में, क्योंकि अभी तक बयान, लेकिन अब इसके बाद क्या चुनाव लड़ना चाहती है उमा भारती, क्या है उनके मन में, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। चलिए, संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, जिस तरह से हम बयान सुन रहे हैं, महिला आरक्षण को लेकर भी उमा भारती का जो बयान था वो काफी चर्चा में रहा, और इस बार चुनाव को लेकर ये बयान, क्या कुछ मायने निकाले जाए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूर्व खासतौर से खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि वो उनकी उम्र हो चुकी है और खासतौर से 4 बार कोविड हो चुका है, ऐसे में कहीं ना कहीं वो फिट नहीं है, और इसलिए उन्होंने पत्र लिखकर ये कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बात करें तो वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2003 में फायर ब्रांड नेता के तौर पर आई थी और 170 सीटों के साथ बीजेपी में सरकार बनाई थी। लेकिन पिछले लंबे समय से यदि हम देखें तो वो कहीं ना कहीं पार्टी से किनारा करते हुए नजर आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार के बीच खुलकर खेलती हुई नजर आ रही, चाहे वो शराबबंदी को लेकर मामला हो या हाल ही में जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पास हुआ उसको लेकर भी खुलकर मुखरता से उन्होंने बात की कि वो चाहती हैं कि ओबीसी आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, उसकी भी लेकर लगातार वकालत करती हैं, अपनी संस्था के माध्यम से सरकार का ध्यान केंद्रित करती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से उनका आज कहना है कि वो 90 साल की उम्र में भी कोई कहेगा तो चुनाव लड़ेंगी, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं मन में अभी भी राजनीतिक वापसी की इच्छा कहीं ना कहीं वहाँ भारती की है, क्योंकि 2003 में सरकार बनने के बाद वो मुख्यमंत्री थी, किन्हीं कारणों से पद से त्याग पत्र देना पड़ा, फिर झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ा, केंद्र में मंत्री रही और बाद में मंत्री हालांकि उन्हें हटाया गया। लेकिन अब एक बार फिर से 2023 का चुनाव होने वाला है, इसके पहले कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने को लेकर इच्छा जाहिर की है, ये तो उमा भारती जाने, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक परिदृश्य में बात करें तो कहीं ना कहीं वो चाहती है कि मुख्य धारा में वापसी हो। शायद यही कारण है कि वो खुलकर कह रही है कि 90 साल की उम्र में भी कोई मुझसे कहेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगी। बिल्कुल सूरज, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से एक बयान उमा भारती का जो सामने आ गया है।